गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी मंत्रा पर, लुआस VLDD। आप लोगों को पता है हिसार में हमारी जो लुआस यूनिवर्सिटी है उसके अंदर VLDD, वेटरनरी लिव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा जो आप लोग करते हो, जिसके बाद आप जो है भैंसों के डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कई बच्चों के ये मेरे से क्वेश्चन पूछे, कई बच्चों ने कि सर हम मान लो हमने VLDD कर भी ली, हमारा एडमिशन हो गया, तो उसके बाद क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाएगी? इसमें क्या फ़ायदा होगा सर? कैसे होगी? कितने साल की होगी? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर? तैयारी कहाँ से करें? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है VLDD का, ये जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये होगा मेरे भाई आप लोगों का 12th बेस पे। किस पे होगा बेटा? ये होगा आप लोगों का 12th बेस के ऊपर, और 12th में आपके पास बायो मस्ट है बेटा, मेडिकल से आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, एडिशनल मैथ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायो जो है वो आप लोग के कंपलसरी है कि बायो आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप फॉर्म निकलने शुरू होंगे अगस्त सितंबर के अंदर, तो जुलाई अगस्त के अंदर, तो आप लोगों का एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम जो होगा बेटा वो 100 मार्क्स का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर से 70 मार्क्स जो है साइंस आएगी। 70 मार्क्स की क्या आएगी बेटा? साइंस आएगी, और 30 मार्क्स का इसके अंदर मैथ आएगा। ठीक है, जो हार्ड लेवल रहेगा वो ऑलमोस्ट 10th तक का ही रहेगा, बस 10th को थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे ले जाते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे ले जाते हैं। उसके लिए हमारी 2-3 डेमो क्लासेस जो है वो डली हुई है, आप देख सकते हो कि हम किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो ये एग्जाम होगा, इसमें जो बच्चा बेस्ट स्कोर करेगा उसका जो है एडमिशन हो जाएगा लुआस के अंदर। अच्छा क्या है, ध्यान से सुना मेरी बात को, लुआस के अंदर एडमिशन होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी जॉब पक्की हो गई है, कंफर्म हो गई है, सिक्योर हो गई है। VLDD बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं और दुआस भी होती है। इसके अंदर ये होगा कि आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी होगी, फीस कम लगेगी, 2 साल यहाँ आप रहोगे, आपको रहने सहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा, सारी सुविधा होगी, यहाँ से आप VLDD करके निकलोगे। 2 साल के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए मेरे भाई? VLDD डॉक्टर के लिए। हरियाणा में HSSC के द्वारा ये फॉर्म निकलते हैं, है ना, अभी जैसे निकली थी, अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, तो HSSC के द्वारा मेरे भाई क्या निकलते? फॉर्म निकलते हैं। इसमें कॉम्पिटिशन कम है, मैं कतई नहीं कहूँगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, और जॉब के कंपेयर में यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम बैठता है मेरे भाई, क्योंकि VLDD हर बच्चा नहीं करता है, तो HSSC में इसका कॉम्पिटिशन कम होता है। HSSC में फिर आपका एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम जो होगा वो जॉब के लिए होगा, वो जॉब के लिए होगा। अब तक HSSC का जो सिलेबस था उसके अंदर 70% जो आप VLDD के डिप्लोमे में पढ़ोगे, जो आप इस कोर्स के अंदर पढ़ोगे, उसी कोर्स से आप लोग इस HSSC के एग्जाम में आएगा। बाकी इसके अंदर जो 30% वेटेज रहेगा या 25% जो वेटेज रहेगा वो हरियाणा GK हो गया, नॉर्मल थोड़ा बहुत मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, वो होगी, मतलब जो आप पढ़ोगे 2 सालों में डिप्लोमे के दौरान वही तुम्हारा काम आएगा आगे एग्जाम के अंदर, है ना। और लगभग ये मान के चलो कि हर एक 2 साल में इसके 2 या 3 साल में फॉर्म निकलते रहते हैं। जैसे आज आप VLDD करने जाओगे तो 2-3 साल बाद जब आप करके निकलोगे आपको तुरंत प्रभाव से साल 6 महीने के अंदर जो है आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा करने का कई बच्चों का ये डाउट था कि डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट हमारी जॉब लग जाएगी क्या? नहीं बेटा, डिप्लोमा आपके पास एक डिप्लोमा है, वो आपके पास एक क्वालिफिकेशन है आपकी, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आप जो है एलिजिबल हो जाओगे VLDD एग्जाम के लिए। बाद में आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा जो कि HSSC लेती है, उसके लिए आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, फॉर्म निकलते हैं तो मेरे भाई ये सारा सिस्टम चलेगा, और उसके बाद जो है आप VLDD डॉक्टर बन जाओगे। और मेरे भाई आप लोगों को पता है इसमें बहुत ज़्यादा दूर आपकी ड्यूटीज़ भी नहीं आती, आप लोग के आस के एरिया के आसपास में ही 10-20-30 किलोमीटर के सराउंडिंग में ही आप लोगों की जो है जॉब लगेगी। उसके बाद जो है आप VS की भी तैयारी कर सकते हो, वेटरनरी सर्जन की भी तैयारी कर सकते हो, आप आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके लिए बहुत सारी स्कोप जो है वो खुलने ओपन होने लग जाती है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट हो वो स्टडी मंत्रा के इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें जो है मेरे भाई बताई जाएगी। ठीक है, और हमारी स्टडी मंत्रा के ऊपर इसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, मार्केट से सबसे कम फीस में हमारा ये कोर्स है। BSc एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन चाहिए 6 ईयर प्रोग्राम में जो कि 10th बेस पे होता है, या फिर आपको VLDD के अंदर चाहिए तो हमारा जो कोर्स है मात्र मात्र 4,999 रुपए का है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आप भी करा लीजिए, बहुत ही लिमिटेड सीट है। स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस, 2 दिन हो गए हैं क्लास को स्टार्ट हुए, और आपका बैच भी जो है पूरी तरह से शेड्यूल चल रहा है। इसमें हम आपको नोट्स, PDF सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपका हर एक डाउट, आपकी हर एक क्यूरी जो है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, सभी को बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।